मुर्दाबाद 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 महिला शक्ति जिंदाबाद महिला शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद महिला शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद महिला शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद नारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद ने एक बयान दिया है महिलाओं को लेकर, खास तौर पर वो किरण चौधरी श्रुति चौधरी को लेकर था, लेकिन आज आप इकट्ठा हुए, क्या मोटो है, किस लिए इकट्ठा हुए? देखिए, आज हमारा इकट्ठा होने का एकमात्र उद्देश्य है माननीय सांसद जी के द्वारा जो जिन अपशब्दों का महिला शक्ति नारी शक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया है, उन सभी का हम कड़े शब्दों में निंदा करती है। माननीय सांसद जी जिनके जो ये शायद ये बात भूल गए हैं कि जिस पार्टी के टिकट के दम पर आज वो संसद में बैठे हैं, जिन महिलाओं के अमूल्य वोट के आधार पर आज वो संसद में चुने गए हैं, उन सभी महिलाओं का वो अपमान कर रहे हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो अपने पिता की एकमात्र वारिस थी, ना सिर्फ उन्होंने अपने पिता की विरासत को बखूबी संजो के रखा, बल्कि अपनी कार्यशैली से देश विदेश में महिलाओं के नाम संपूर्ण नारी शक्ति का लोहा मनवाया। श्रीमती सोनिया गांधी जी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं और अपनी कार्यशैली से हमेशा महिलाओं के लिए आत्मसमर्पित रही हैं। राजीव गांधी जी जो महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन आरक्षण पंचायती राज में लेकर के आए थे। माननीय जयप्रकाश जी ने तो उन सभी के कार्यकलापों पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। माननीय सांसद जी से हम अपील करते हैं कि वो अपने दिए हुए विचारों पर उन्हें विचार करें और संपूर्ण नारी शक्ति से क्षमा याचें। जेपी का कहना है कि उनके जो बयान था उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। सर, मेरे पास एक कटिंग है, अगर मीडिया बंधु ही, मीडिया तो हमारे समाज का सबसे मजबूत जो है पिलर है, मीडिया सारी बातों को सही तरीके से रखती है, तो उन्होंने तो मीडिया के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो उनके क्वेश्चन मार्क का तो कोई अंत ही नहीं है। तो महिला का अपमान किया है? बिल्कुल, महिला संपूर्ण महिला शक्ति का, आज तक महिला शक्ति ने जितने भी संघर्ष किए हैं सावित्री बाई फूले जी से लेकर के आज हमारी बेटी हमारी बहन कल्पना चावला जी, खिलाड़ी बहने, सभी का उन्होंने अपमान। जेपी अगर अपने बयान वापस नहीं लेते तो आगे क्या स्टेप रहेगा? आगे हम ये प्रदर्शन जारी रहेगा, हम पार्टी हाईकमान तक अपनी बात पहुंचाने का कार्य करेंगे लिखित माध्यम से। तो आज क्या किया आपने, मेला इकट्ठी हुई है?